नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ माही शर्मा। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की खस्ता हालत की पोल खोलता हुआ एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मरीज को अस्पताल ले जा रहे एम्बुलेंस का बीच रास्ते में ही पेट्रोल खत्म हो गया और मरीज की रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल खत्म होने के बाद मरीज के परिजन भी एम्बुलेंस को करीब 1 किलोमीटर तक धक्का देते रहे, लेकिन मरीज को नहीं बचाया जा सका। हालांकि दूसरी एम्बुलेंस को भी तत्काल बुलाया गया, लेकिन उसे पहुंचने में 40 मिनट का समय लग गया। मिली जानकारी के अनुसार घटना बांसवाड़ा जिले के दानापुर का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मरीज के परिजन एम्बुलेंस को धक्का देकर चला रहे हैं, और जब वह थककर चूर हो गए तो उन्होंने एम्बुलेंस चालक को दूसरा एम्बुलेंस मांगने की गुहार लगाई, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक ने दूसरे चालक को फोन कर दूसरा एम्बुलेंस बुलाया, लेकिन दूसरा एम्बुलेंस आने में 40 मिनट का समय लग गया और मरीज ने तड़पते हुए अपना दम तोड़ दिया। हालांकि मरीज को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद से अब चिकित्सा महकमे ने एम्बुलेंस का ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले में क्या बयान दिया है, चलिए आपको सुनाते हैं। और यदि कहीं घटना आई, एम्बुलेंस में डीजल खत्म हो गया, सीरियस मरीज था और उसकी डेथ हो गई, तो ये व्यवस्था का फेल्यूर नहीं है, ये मैनेजमेंट का फेल्यूर है। जो व्यक्ति जिम्मेदार है इस काम के लिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।